खबर रीवा जिले से है, जहां मऊगंज थाना क्षेत्र की लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट मामले में वायरल वीडियो को लेकर पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन ने थाना प्रभारी मऊगंज श्वेता मौर्य की लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। पुलिस की माने तो मारपीट को लेकर 3 दिवस पूर्व मऊगंज थाना प्रभारी ने ढेरा निवासी आरोपी युवक विपिन त्रिपाठी के खिलाफ 151 की कार्यवाही की थी, जिसके बाद युवती के साथ बेरहमी से मारपीट का वायरल वीडियो सामने आया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इसको लेकर विराट 24 न्यूज ने सबसे पहले प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद मुख्य आरोपी और उसका साथी गिरफ्तार किए गए। वहीं इस तरह से थाना प्रभारी द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लेना मऊगंज थाना प्रभारी को भारी पड़ गया, जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक रूप में डायल 100 को जानकारी मिली और थाने को भी जानकारी मिली, तो यहाँ से बल वहाँ पे पहुँचा और लड़के लड़की को लेके आए। लड़की चूँकि काफ़ी स्थिति उसकी ख़राब थी, इसलिए उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक इलाज के बाद में उसके परिजनों को बुलाया गया, उनको समझाइश दी गई और इसके बाद में भी लड़की कार्रवाई के लिए तैयार नहीं हुई और उससे इस चीज़ को लिखित में लिया गया। और चूँकि लड़का पुलिस अभिरक्षा में था और उसने इस बात को थोड़ा बहुत बताया लेकिन पूरे तरीके से नहीं बताया, इसलिए उसका प्रारंभिक रूप में 151 की कार्रवाई की गई। इसके बाद में कल दिनांक को यह वीडियो जो मारपीट के संबंध में बनाया गया था वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जो हम तक भी पहुंचा और इसके बाद में तत्काल पुनः लड़की और उसके परिजनों को थाने पे बुलाया गया, उनको काफ़ी समझाइश दी गई और इसके बाद में उसके परिजन FIR कराने के लिए तैयार हुए, लड़की भी तैयार हो गई है। अभी इसमें मुख्य रूप से जो लड़का मारपीट करते हुए दिख रहा है उसको बनाया गया है और साथ में ये जो वीडियो जिसने बनाया है वो भी पुलिस ने अभी अभिरक्षा में लिया हुआ, उससे पूछताछ की जा रही है। यह वीडियो अन्य जिन लोगों ने वायरल किया होगा उन सभी को इस मामले में मुलजिम बनाया जाएगा। मऊगंज द्वारा तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई, महिला संबंधी अपराध में जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी उसे देखते हुए उनको निलंबित किया जाकर पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है और इस प्रकरण की जाँच एडिशनल SP मऊगंज को सौंपी गई है। सर, क्या अब मुख्य आरोपी के यहाँ बुलडोजर चलेगा क्या? सर, अभी इसमें जो हमारी टीमें हैं ज्वाइंट रूप से भी भ्रमण करके और राजस्व विभाग से अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करके उसका परीक्षण कर रहे हैं, उसके पश्चात जो भी अन्य कार्रवाई होंगी संपादित की जाएंगी।